हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत से जटिल कार्यों को जो है आसान बना देता है। तो इस टूल का नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसे हम प्लायर भी कहते हैं। ये जो है नट बोल्ट खोलने के काम आता है, और भी बहुत सारे तंग काम होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, वो इससे हम कर सकते हैं। तोड़ना, मरोड़ना और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है किसी इस टूल की। तो ये टूल्स जो है हर किसी के घर में होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों के घरों में पाया भी जाता है। अगर नहीं है तो आप इसको मंगा सकते हो। तो आइए फ्रेंड, इस टूल के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो इस टूल को कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, और यह कठोर स्टील का बना होता है। ये जो प्लायर होता है, ये कठोर स्टील का बना होता है, और ये टूल आसानी से जो है ख़राब नहीं होता है, टूटता नहीं है। इसका आकार जो है 150 mm से 200 mm तक होता है। इसका उपयोग तारों को काटने के लिए कर सकते हैं, मोड़ने, पकड़ने, खींचने व मरम्मत कार्य के समय छोटी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? देखिए, तार को हमें काटना है, या उसको मोड़ना है, या पकड़ना है, या खींचना है, या उसको कोई भी मतलब कोई भी आकार में देना है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और किसी चीज़ को हमें मजबूती से पकड़ना है, जैसे कोई चीज़ हम हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं, उंगली से नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमें मजबूती से पकड़ना है, तो हम इस टूल का जो है उपयोग करते हैं। तो ये प्लायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो फ्रेंड, हमें इसका प्रयोग क्या है, हथौड़े के रूप में नहीं करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको हथौड़े की तरह यूज़ करते हैं, इसी से ठोकते हैं, इसी से सारा काम करते हैं। तो हमें इस हथौड़े की तरह इसका प्रयोग नहीं करना है, और इसको जो है जंग से बचाने के लिए इसमें कभी कभी हमें ग्रीस लगा देनी चाहिए। ग्रीस या मूवियल हम कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। तो आइए फ्रेंड्स, के कुछ जो है पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स इसमें होते हैं, और इन पार्ट्सों को हम क्या क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड, आइए हम इसके थोड़े पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड देखिए, ये वाला जो पार्ट्स है इसको पाइप ग्रिप कहते हैं। यहाँ से आप क्या है पाइप को पकड़ सकते हो। इस जगह से क्या आपको पाइप को पकड़ना है तो पाइप को पकड़ सकते हो। किसी नट बोल्ट को पकड़ना है तो आप यहाँ से किसी नट बोल्ट को आप पकड़ सकते हो। और ये देखिए फ्लैट ग्रिप है, जो ये वाला पार्ट्स इसका है, जो इसको फ्लैट ग्रिप कहते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी जो है धारियाँ पड़ी रहती हैं इस जगह पर, ठीक है। और फ्रेंड, ये वाला पार्ट देखिए मूविंग जॉ कहलाता है, जो इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो मूविंग जॉ कहलाता है। इसको हम घुमा सकते हैं, इस साइड से पकड़ सकते हैं, उस साइड को घुमा के पकड़ सकते हैं, तो इसको हम मूविंग जॉ बोलते हैं। और ये देखिए ये वाला फ्रेंड कटिंग, साइड कटिंग कहलाता है। ये वाला पार्ट्स देख रहे हो आप, इसको साइड कटिंग बोलते हैं। यहाँ पर आप किसी चीज़ को काट सकते हो, किसी वायर को काटना है या किसी मेटल की चीज़ को काटना है तो आप यहाँ से आसानी से काट सकते हो। और इसके नीचे देखिए जॉइंट कटर है, आप यहाँ से भी जो है काट सकते हो, या यहाँ पर इसको जॉइंट कटर बोलते हैं। तो यहाँ से आप किसी स्टील की चीज़ है या कोई मोटी हार्ड चीज़ है, वायर टाइप की है, GI वायर है, तो आप यहाँ से इसको फंसा के काट सकते हो। तो अभी मैं ये सब चीज़ें आपको काटना बताऊँगा, किस तरीके से आपको काटना है, किस तरीके से काट सकते हो। और ये वाला पार्ट देखिए आप, इसको इंसुलेशन कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसे इंसुलेशन हम बोलते हैं, ठीक, या इसको आप लैग हैंडल भी बोलते हैं हम लोग। इसको ये पूरा पार्ट जो है लैग हैंडल कहलाया जाता है। और जो रबड़ की या प्लास्टिक की ये जो बॉडी चढ़ी हुई है, इसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। ये हमें क्या है, करंट लगने से बचाता है। कभी हम जैसे लाइव वायर को पकड़ते हैं, या जिस वायर में करंट होता है, करंट फ्लो हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, तो उस वायर को हम पकड़ते हैं, तो ये हमें करंट लगने से बचाता है। तो इसका ये जो बाहर का जो ये आवरण है, ये प्लास्टिक की जो बॉडी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी अगर ये बॉडी अगर कहीं से टूटी हो या कहीं से चटकी हो, तो उस समय आप क्या है, जैसे यहाँ से कभी कभी क्या है, यहाँ से डैमेज हो जाती है, ये इस जगह से जो है डैमेज हो जाती है, तो हमें इसका प्रयोग लाइव वायर पकड़ने में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लाइव वायर को पकड़ेंगे तो हमें करंट लग जाएगा। तो इसको कभी भी जो टूटी बॉडी हो, तो उस समय हमें बिल्कुल भी जो है लाइव वायर को नहीं पकड़ना है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड, इसको हम आम भाषा में जो है प्लासी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग देखिए हम काटने के लिए कर सकते हैं। देखिए हमें इसको, ये हमें तार को छीलना है, तो हम इसको देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से काट देंगे, देखिए कट गया। और इसको छील भी सकते हो आप इस तरीके से। देखिए कट लगाना है एक इधर को, इस तरीके से देखिए कट लगाना है, और ऐसे करके आप इसको छील सकते हो। देखिए, तो
तो ये देखिए छिल गया, कितनी आसानी से ये छिल गया। तो इस तरीके से जो है आप वायर को छील सकते हो और इसको देखिए आराम से काट भी सकते हो। एक बार और छीलना दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको वायर को छीलना है। ये देखिए इस तरीके से कट लगाना है, ठीक है। और एक यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट लग चुका है, हाँ। फिर एक यहाँ से देखिए इस तरीके से कट लगाना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इसका जो इंसुलेशन कटे और वायर ना कटे, इस तरीके से जो है हमको छील लेना है। अगर आपकी लाइव वायर है तो आप इस तरीके से जो है इस टूल की मदद से छील सकते हो और इस तरीके से देखिए मोड़ सकते हो। यहाँ पर जो इसके देखिए जो ग्रिप लगी हुई है फ्लैट ग्रिप, तो इस ग्रिप को इस तरीके से पकड़ के देखिए इस तरीके से आप मोड़ सकते हो। तो आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हो, देखिए मैंने इस वायर को जो है छीला है तो यहाँ पर देखिए कहीं भी कट नहीं लगाया, आप देख सकते हो कहीं भी कट नहीं लगाया। तो एक बार और मैं आपको काट के छील के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से देखिए काटना है, कट गया। और इस तरीके से देखिए ये देखिए कट लगा है। हमें ध्यान रखना है कि इसका इंसुलेशन ही कटे और वायर ना कटे, तो इस तरीके से देखिए कट लगाना है, ठीक है। कट लगाने का इस तरीके से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जोर लगाएंगे, देखिए छिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से छील लेना है। तो अगर आप देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को छीलना नहीं आता है तो वो छील नहीं पाते हैं, तो क्या करना है देखिए इस तरीके से कट लगाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे पकड़िए और हल्का से देखिए अंगूठा है ना, अंगूठा अंगूठे को इस तरीके से लेना है। अगर लाइव वायर है तब तो इस तरीके से अंगूठे को लेके इस तरीके से आप छील सकते हो। तो ये तरीका भी एक बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं लोग, तो इस तरीके से आप छील सकते हो। अगर आपको देखिए फ्रेंड जो है कटिंग करनी है, तो जैसे मैंने बोला था यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से देखिए काट सकते हो। ये यहाँ पर इस तरीके से फंसाओगे और इस तरीके से देखिए काट लोगे। इससे आप कितनी भी मजबूत वायर हो, कितनी भी हार्ड वायर हो, GI वायर हो, कोई सी वायर हो जो हार्ड है मजबूत है, उसको आसानी से इस तरीके से देखिए काट सकते हो। ये देखिए कितनी आसानी से वायर कट जा रही है, तो इस तरीके से देखिए वायर को काट सकते हो। तो इसको साइड कटिंग भी बोलते हैं, जो साइड कटिंग जॉइंट कटिंग बोलते हैं इसको। जॉइंट कटिंग से यहाँ से भी काट सकते हो आप, यहाँ से भी काट सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से भी काट सकते हो, देखिए इस तरीके से देखिए। तो ये भी दोनों तरीके से आप काट सकते हो। और इसका यूज़ क्यों करते हैं देखिए, इसको इसका हम फ्लैट ग्रिप का यूज़ देखिए मोड़ने के लिए, काटने के लिए और तार को खींचने के लिए किसी भी तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये वाली जो बीच में बनी हुई है इसका प्रयोग हम देखिए, ये नट है हमारे पास देखिए, तो इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए ये बिल्कुल फिक्स आ जाता है, किसी भी साइज़ का होगा ना इसका इसमें बिल्कुल फिक्स आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप इसको खोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से खोल सकते हो और यहाँ से पकड़ सकते हो इस तरीके से। देखिए यहाँ से आप चाबी लगा सकते हो, मान लीजिए ये नट नहीं खुल रहा है, तो यहाँ से आप चाबी इसके जो 12 नंबर की चाबी लगेगी, इसमें 12 नंबर की चाबी लगा के आप इसको खोल सकते हो इस तरीके से। तो फ्रेंड आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।